पहली बार हिंदी पॉइंट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने ऑर्डर सीक्वेंस के कुछ पोर्शन को क्लियर किया था, आज हम लोग अगले पोर्शन को क्लियर करेंगे। उस पोर्शन को क्लियर करने से पहले यानी वीडियो को हम लोग वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो जो इस चैनल पे नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग चैनल को देख रहे हैं इस क्लासेस को देख रहे हैं वे लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर सीक्वेंस के अगले टर्म्स को, जिसको मैंने बताया था अभी काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग बनाएंगे कैसे, केवल थिंक विदाउट इंक मेथड से केवल देखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। चलिए उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमने बताया था कि इसमें एक एरो का साइन होता है, किसमें किसमें एरो का साइन होता है, तो ऑर्डर सीक्वेंस में एक पूरा ऑर्डर सीक्वेंस किस पे डिपेंड करता है, तो पूरा ऑर्डर जो सीक्वेंस है वह एक एरो के साइन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो एरो के साइन पर डिपेंड करता है। और एरो के ऊपर में किसको लिखते हैं, यहाँ पर एरो के ऊपर को बोलते हैं हेड, और नीचे को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और ऊपर किसको लिखते हैं, हेड में किसको लिखते हैं, तो बड़ा को लिखते हैं, और टेल में किसको लिखते हैं, तो छोटा को लिखते हैं। इतना कल मैंने बताया था और इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो क्वेश्चन मैंने बताया था क्रॉस इंफॉर्मेशन वाला, क्रॉस इंफॉर्मेशन क्या है, क्या बताया था मैंने, क्रॉस इंफॉर्मेशन क्या बताया था, क्रॉस इंफॉर्मेशन, क्रॉस इंफॉर्मेशन यानी क्रॉस इंफॉर्मेशन पे जो क्वेश्चन आएंगे क्रॉस इंफॉर्मेशन पर उसको कैसे बनाएंगे, केवल देख करके बनाना है, ठीक है। देखिए क्या रहेगा कि सब कुछ गिवन रहेगा, ऑलरेडी गिवन रहेगा, लेकिन उसमें एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा यानी कोई ऐसा तीर का निशान आएगा जिसका स्थान निश्चित नहीं रहेगा, यानी वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, या इसके बाद भी रह सकता है। बातों को ध्यान से समझिए, यहाँ भी रह सकता है, ठीक है, यहाँ भी रह सकता है या इसके बाद भी रह सकता है, यानी उसका स्थान क्या हो, निश्चित नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में आंसर क्या लिखते हैं, ऐसी स्थिति में आंसर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन का सीरीज आप सभी को पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। या अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता है ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्या दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं। फिर से बातों को समझिए, क्या करना है, एरो के साइन में ऊपर लिखते हैं, बड़े वाले को नीचे लिखते हैं, छोटे वाले को, इसको मैंने कल के यानी इसी फर्स्ट में मैंने बता दिया है, क्योंकि हमारा सेकंड है उसमें मैंने बताया है कि कोई व्यक्ति है जिसका स्थान निश्चित नहीं है, यानी वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, इसके बाद भी रह सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, इसी को क्रॉस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी देखिए बात को समझिए, कोई व्यक्ति है जो कि आपके आस पड़ोस है, वह आपके साथ भी है और आपके जो बगल में है उनके भी साथ है, ठीक है, अगर उनके बगल में भी है, उनके जो आपके बगल में है उनके भी साथ है, अगर कोई पूछे कि क्या वह किसके साथ है तो उसका स्थान निश्चित है, निश्चित नहीं ना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस इंफॉर्मेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी वैसा व्यक्ति जिसका स्थान निश्चित नहीं हो, यदि यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, इसके बाद भी रहे, कहीं भी रहे, कहीं भी रहे, तो उस व्यक्ति का स्थान निश्चित नहीं हो, अगर उसके बारे में कोई पूछे आपसे, उसके बारे में अगर कोई पूछे कि भाई अब किसके तरफ है, तो आप कहेंगे कि इसका तो स्थान ही निश्चित नहीं, यानी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि यह किसके तरफ है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि यह किसके तरफ है। तो इसके लिए आंसर में भी क्या होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता नहीं दिया हो, अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता नहीं दिया हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बातों को ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कुछ लोगों का यह है कि भाई क्लासेस कम टाइम चल रही है, देखिए क्लासेस कम टाइम चलने का सबसे बड़ा राज यह है कि काफी कम लोग आ रहे हैं देखने के लिए, काफी कम लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है, काफी कम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों का यह एम है कि कम से कम 50 लोग आएंगे ना, 50 लोग आएंगे तो क्लासेज 1 आवर की प्रदान की जाएगी, 1 आवर की क्लासेज चलेगी, और अगर 100 लोग आने लगे तो मैं कहता हूँ डेली
डेली दो टू आवर्स की क्लासेस चलाएंगे, डेली टू आवर्स की रीजनिंग की क्लासेस चलेगी। और रीजनिंग में अगर ऐसे भी चल रहा है ना, तो रीजनिंग में पूरा परफेक्ट बनाने की गारंटी है, रीजनिंग एकदम पूरा परफेक्ट आप लोग कर पाएंगे। यानी अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं 25 क्वेश्चन आता है, तो 25 में आप 24 को जरूर कर पाएंगे। चाहे आप पहले कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, केवल आप एजी पॉइंट के रीजनिंग और जीएस की क्लासेस देखे, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जीएस में भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और रीजनिंग में भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्रॉस इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। यह तो हमारा कंसेप्ट था, हमने कंसेप्ट को बता दिया। देखेंगे कि इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। आप सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पर क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। आज पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़े से टाइपिस्ट की मतलब टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने पीडीएफ को अभी नहीं अपलोड कराया। ठीक है, पीडीएफ लेकिन देर रात तक आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, लिखिए क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे दिया रहे कि हंस आलोक से लंबा है, क्वेश्चन दिया रहे कि हंस आलोक से लंबा है, आलोक से लंबा है। ठीक है, हंस क्या है, आलोक से लंबा है। और आगे दिया रहे कि आलोक, आगे दिया रहे कि आलोक मोहन से लंबा है, आलोक मोहन से लंबा है, मोहन से लंबा है। ठीक है, और दिया रहे कि सुरेश, सुरेश आलोक से लंबा, सुरेश आलोक से लंबा लंबा है। तो बताएं, आगे क्वेश्चन में दिया रहे तो बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है। बातों को ध्यान से समझिए, कैसे करना है काफी इजी में करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हंस जो है आलोक से लंबा है, तो हमने एक एरो बनाया, बनाया ना, देखिए यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और बड़ा जो है उसको ऊपर लिखते हैं, तो लिखते हैं कि हंस जो है आलोक से लंबा है, यानी हंस को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और नीचे किसको लिख दिया, आलोक को लिख दिए। ठीक है, देखिएगा अब आगे क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो सुरेश है वह आलोक से लंबा है। सुरेश क्या है, आलोक से लंबा है, और ऊपर क्या है कि आलोक मोहन से लंबा है, यानी इसके नीचे एक मोहन होगा ना, यहाँ पर मोहन हो गया। ठीक है, बातों को ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हो गया, मोहन हो गया। थोड़ा सा बड़ा दिख रहे, दिखाई नहीं दे रहा है, देख। ठीक है, मोहन, ठीक है, यहाँ पर मोहन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हंस है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर हंस है। बातों को ध्यान से समझिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, आगे ये क्वेश्चन बोला है कि आलोक जो है आलोक मोहन से लंबा है, कन्फर्म हो गया। आगे बोला है कि सुरेश आलोक से लंबा है, सुरेश कोई व्यक्ति है जो आलोक से लंबा, सुरेश कोई व्यक्ति है जो क्या है, आलोक से लंबा है। अब देखिए यह सुरेश क्या है, यह क्रॉस इंफॉर्मेशन है। अब कैसे क्रॉस इंफॉर्मेशन है, कैसे क्रॉस इंफॉर्मेशन है सुरेश, तो देखिए यहाँ पर सुरेश जो व्यक्ति है उसका स्थान निश्चित है, नहीं है, कैसे नहीं है कि आलोक से लंबा है सुरेश, तो यहाँ भी रहेगा तो आलोक से लंबा होगा। यह हंस के बराबर भी रहेगा, यहाँ पर हंस के बराबर भी रहेगा सुरेश, यानी हंस के बराबर भी उसकी लंबाई होगी तब भी तो आलोक से लंबा होगा। या हंस से ऊपर भी रहेगा, यहाँ पर हंस से ऊपर भी अगर सुरेश को रखा जाए, यानी हंस से ऊपर भी सुरेश को रखा जाए तब भी तो वह आलोक से लंबा होगा। यानी यहाँ पर सुरेश की कितनी स्थितियां होगी, तीन स्थितियां, एक यहाँ पर भी बड़ा है, फिर या तो हंस के बराबर हो जाए तब भी वह बड़ा है, या हंस से ऊपर रखा जाए किसको, तो सुरेश को रखा जाए तो वह आलोक से बड़ा होगा। यानी तीनों ही स्थितियों में वह बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पर सुरेश क्या है, सुरेश क्या है, तो सुरेश क्रॉस इंफॉर्मेशन है। क्या है, क्रॉस इंफॉर्मेशन है। और क्रॉस इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या देते हैं, क्या पूछेगा तो हम लोग को आंसर देना है कि क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी पूछेगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है, बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबा का आप निर्धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुरेश का स्थान ही निश्चित नहीं है। वो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, या हंस से ऊपर भी बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला है कि आलोक से लंबा, आलोक से लंबा। अगर क्वेश्चन में बोला होता
अगर क्वेश्चन में बोला होता कि वो आलोक से लंबा है लेकिन हंस से छोटा है तो उसका डिफाइन हो जाता ना। या फिर ऐसे बोला होता कि जो सुरेश है वह हंस से लंबा है, तब हम अलग ग्राफ बनाते ना। तो देखिए यहाँ पर इसका स्थान निश्चित नहीं है, किसका, सुरेश का स्थान निश्चित नहीं है, और पूछ रहा है सबसे लंबा पूछ रहा है, यानी सुरेश से संबंधित जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति जब ऐसा ग्राफ बने ना और ऐसा सेंटेंस दिया रहे जिसमें स्थान निश्चित नहीं हो, तो सीधे हम लोगों को बनाना नहीं है, सीधे आंसर टिक आउट कर दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर सुरेश की तीन स्थितियां हैं, एक उसकी कंफर्म स्थिति कोई नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में नहीं रहे, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहे, क्या है, इनमें से कोई नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहा है तो क्या होगा, आंसर क्या देना है हमें, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कुछ लोगों के माइंड में रहता है भाई दोनों दे दे तो क्या करेंगे, अगर दोनों दे दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अगर दोनों दे दे ना, दोनों अगर ऑप्शन में दे दे तो हमें करना क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है को आंसर देना है। किसको आंसर देना है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है उसको आंसर देना है, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता ही तो इसका ओरिजिनल आंसर है, ज्ञात नहीं किया जा सकता यही तो इसका ओरिजिनल ऑप्शन है, आंसर है। और इसको एक नंबर में मैंने बताया है ना, तो हमेशा एक नंबर वाले को प्रेफरेंस दीजिएगा, पहले वाले को क्या करना है प्रेफरेंस देना है और बाद वाले को नहीं देना है, अगर दोनों दे दिया हो तो। क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में रहता है कि अगर दोनों दे दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो दोनों दे दिया हो तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है को ठीक आउट करना है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए रीजनिंग की जो क्लासेज है, रीजनिंग की क्लासेज वह 8 PM में चलेगी, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, हमने बोला था कि साइंस की भी क्लासेज बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके बाद करेंट की भी क्लासेज लॉन्च होने जा रही है, यानी एजी पॉइंट पर आप क्लासेज कर रहे हैं ना, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल क्या करना है आप लोगों को, केवल आप लोगों को बस एक ही चीज पर ध्यान देना है, सब्सक्राइबर पर ध्यान देना है। किस पे, तो सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, केवल क्लासेज करना है और सब्सक्राइबर को बढ़ाना है, बाकी सारी गारंटी हम लोगों के ऊपर है। अगर कोई एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तो उससे पहले उसके सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस कराना वो हम लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। उसके प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस कराना कि आखिर यह कैसे हुआ यह नहीं हुआ, सारे ऑप्शन का एनालिसिस कराएंगे, लेकिन आप लोगों को एक जिम्मेदारी निभाना है, क्या, तो सब्सक्राइबर बढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। और हम लोग पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सबका क्लास आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, यानी जीएस की क्लासेज चल रही है, दूसरा नंबर में हम लोग साइंस की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, तीसरे नंबर पर रीजनिंग की क्लासेज चल रही है जो कि 8 PM में अभी चल रहा है, अगले सुबह जीएस की क्लासेज 7 बजे से चलती है, 8 रीजनिंग की क्लासेज 8 PM में चलती है, यानी अभी जो चल रहा है। आगे हम लोग करेंट की क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, करेंट अफेयर्स की क्लासेज जो कि प्रोवाइड किया जाएगा, और 5वें नंबर पर हम लोग मैथ्स की क्लासेज प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में हम सब लोग इंग्लिश या हिंदी की भी क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यानी एक भी सब्जेक्ट की क्लासेज के लिए आप लोगों को कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्थाएं और फ्री मॉक टेस्ट की भी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट की, और यह सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेगी, यानी विदाउट मनी हम लोग आप सभी को एक बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यानी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बाकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, एजी पॉइंट पर छोड़ दीजिए। और हम लोग ये नहीं कि केवल लॉकडाउन तक ही क्लासेज चलेगी, लॉकडाउन के बाद भी क्लासेज चलते रहेंगी, यह एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी इसके क्लासेज लगातार आप सभी को प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है, चलिए
एकदम टाइम टू टाइम जैसे चल रही है क्लासेज एकदम वैसे ही क्लासेज आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग करता तो इसका डिफिनिट आंसर होता, क्वेश्चन में क्या बोलता तो इसका डिफिनिट आंसर होता। देखिए क्वेश्चन में ये पूछता, क्वेश्चन में ये पूछता, लोगों के माइंड में यह बात रहेगा कि अगर पूछ दे कि सबसे छोटा कौन है, अगर पूछ दे कि सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा कौन हो जाता, बातों को ध्यान से समझिए, सबसे छोटा मोहन हो जाता ना, क्योंकि यह जो क्रॉस इंफॉर्मेशन है यह क्या है, क्रॉस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी थोड़ी है नीचे वाला, नहीं ना है, तो अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा हमारा क्या हो जाता, सबसे छोटा कौन हो जाता तो सबसे छोटा मोहन हो जाता। अगर पूछता कि सबसे छोटा ज्ञात करे तो क्या हो जाता, मोहन, क्योंकि इसके नीचे तो क्रॉस इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो एक क्रॉस इंफॉर्मेशन जहां भी पूछेगा उच्च संबंधित अगर जानकारी पूछ रहा है ना, अगर उच्च संबंधित जानकारी पूछ रहा है तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता करेंगे, अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता तो इसका डिफिनिट आंसर होता, आप तो बिलो स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग करता तो यहाँ पर इसका डिफिनिट आंसर होता, देखिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग करता तो इसका डिफिनिट आंसर होता। इन दोनों में अंतर समझना काफी जरूरी है, क्योंकि क्लियर कंसेप्ट होगा ना, जब आप सभी का क्लियर कंसेप्ट होगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसे उड़ा देंगे, केवल देख करके आप आंसर दे देंगे, केवल क्या होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन में क्या कहता कि जो सुरेश आलोक से लंबा है और इसी क्वेश्चन में क्या ऐड कर देता, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या ऐड करता, लेकिन हंस से छोटा है तो बताएं सबसे लंबा कौन है। बातों को एकदम ध्यान से समझिए, सबसे लंबा कौन है, एकदम आराम से दिए। यह तो हो गया प्री वाला ग्राफ जिसमें सुरेश का स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए हमने इसका आंसर लगाया क्या, पेनल्टी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें रहता कि हंस से छोटा है तो कैसे हम लोग निकालते, फिर वही करना है, हंस आलोक से लंबा है, हमने ग्राफ क्लियर कर लिया, यहाँ पर क्या लिखा हमने हंस को लिख दिया, बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आलोक को लिख दिया, आराम से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आलोक जो है मोहन से लंबा है, यानी इसके नीचे कौन हो गया तो मोहन हो गया ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन ये बोला है कि सुरेश आलोक से लंबा है, सुरेश कोई है जो कि आलोक से लंबा है लेकिन हंस से छोटा है, यानी वह यहाँ पर बैठेगा, आलोक से लंबा हो जाए और हंस से छोटा हो जाए, यहाँ पर एक एरो का साइन बनाइए और यहाँ पर सुरेश को बैठाइए, और तब यदि पूछता कि बताए कि सबसे लंबा कौन है तो सीधे क्या करते, हंस को आंसर देते, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस इंफॉर्मेशन नहीं है। का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि क्रॉस इंफॉर्मेशन वह होता है जिसका स्थान है निश्चित नहीं होता है, जब उसका स्थान निश्चित नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर कुछ नहीं देना है, केवल सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता है देना, यदि ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में नहीं रहे तो हमें क्या देना है, इनमें से कोई नहीं, अगर दोनों रहे तो हमें ज्ञात नहीं किया जा सकता तो प्रीफर करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबा कौन हो गया तो हंस हो गया, सबसे लंबा कौन हो गया हंस हो गया, और सबसे छोटा तो हम लोग उसमें भी ज्ञात करते थे इसमें भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित अगर क्वेश्चन करे, क्रॉस इंफॉर्मेशन दिया रहे और उससे संबंधित क्वेश्चन करे तो हम लोग सीधे क्या करना है तो सीधे आंसर देना है, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित लिखते हैं, क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, चाहे तो इन दोनों का डिफरेंस वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं,
ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन आप सभी को जो पीडीएफ दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ का भी टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है, जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है, आप सभी की जिम्मेदारी है, सॉल्व कीजिएगा। देखिए रैंकिंग का बहुत सारे लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, कुछ लोगों ने दो चार क्वेश्चन को नहीं किया है, तो हम बोल रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन को एक एक करके, जैसे कि डाइस के पीडीएफ का सोल्यूशन कराया है ठीक उसी प्रकार इसका भी सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए ऑर्डर सीक्वेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिया रहे कि क्रॉस इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया रहे, सेम टाइप का क्वेश्चन एक बोल रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया रहा है कि सोहन रमेश से लंबा है, देखिए ऑर्डर सीक्वेंस पर काफी बड़े बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी पूरे एक एक बोर्ड का क्वेश्चन किया जाता है, सभी क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन को पीडीएफ में बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को मैंने ऐड करवा रखा है, ऐड करवा रहे हैं, सबको एक एक करके क्वेश्चन को कराएंगे, ताकि क्लियर कंसेप्ट हो, कंसेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट से कोई मतलब ही नहीं करना है हमें, ठीक है। सोहन रमेश से लंबा है, ठीक है। रमेश आगे बोल रहा है, रमेश रोहन से लंबा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोला है कि सुरेश रमेश से लंबा, आराम से बना रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन लिखे, ठीक है। सुरेश रमेश से लंबा है, तो बताइए कि सबसे लंबा कौन है, आराम से करना है, ठीक है। बताइए कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। तब तक हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि सुरेश रमेश से लंबा है, तो यहाँ पर एक बनाए एरो का साइन दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए, किसको लिख दिए, तो यहाँ पर लिख दिए सोहन रमेश से लंबा, सोहन को यहाँ लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए रमेश को, लिख दिए ना। अब देखिए सुरेश जो है रमेश से लंबा, ठीक है, और आगे बोला है रमेश रोहन से लंबा है, रमेश जो है रोहन से लंबा है, अब रमेश से संबंधित जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, करना क्या है हमें, जो यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, अब देखेंगे कि भाई इससे संबंधित कोई जानकारी और तो नहीं दी है, इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी दी है ना कि रमेश रोहन से लंबा है, हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, इसको नीचे लिखा रोहन को, क्यों, क्योंकि रमेश जो है रोहन से लंबा है, हमें देखना है कि भाई जो जिसको लिख रहे हैं ना, जिसको हम लोग लिख रहे हैं, क्या उससे संबंधित जानकारी क्वेश्चन में दी हुई है कि नहीं, तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर दी हुई थी, हमने लिख दिया। आगे बोला है अभी के इससे संबंधित एक और जानकारी दी हुई है कि सुरेश रमेश से लंबा, यानी अब देखिए यहाँ तो क्रॉस इन्फॉर्मेशन वाली बात हो गई, वही ना, देखिए क्वेश्चन एक बोला है कि सुरेश रमेश से लंबा है, सुरेश यहाँ पर है, यहाँ पर भी होगा तो लंबा, या सोहन के बराबर होगा कौन, सुरेश, तो भी लंबा कहलाएगा, या फिर सोहन के ऊपर भी रहेगा तो भी लंबा कहलाएगा, यानी यह तीनों ही स्थितियों में लंबा कहलाएगा ना, तो यह क्या हो गया, यह क्रॉस इन्फॉर्मेशन हो गया, और क्रॉस इन्फॉर्मेशन वाली जहां भी बात आए ना, तो उसका आंसर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, इंग्लिश में होता है कैनट बी डिफाइंड, ठीक है। अगर कैनट बी डिफाइंड नहीं दिया रहे तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, देखिए क्या होगा आंसर, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आराम से करना है, काफी आराम से सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब भी क्लासेस करें ना, तो आराम से क्वेश्चन को करना है, ही नहीं कि क्वेश्चन को देखे आंसर लगा दिए कुछ अलग, ठीक है, एक बार अच्छे से सीख ले, उसके बाद तो अपने आप लोग विवेक एक्सप्रेस हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग गतिमान एक्सप्रेस हो जाएंगे, अपने आप को जाएंगे, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस नहीं वो लंबी दूरी तय कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करना क्या है, अगर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अवसर में नहीं रहे और क्या रहे, इनमें से कोई नहीं, तो क्या इसको टिक आउट करेंगे, इनमें से कोई नहीं को,
अगर दोनों दिया रहे तो फर्स्ट हमको किसको मानना है, तो फर्स्ट मानना है हमको, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किसको मानना है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं, और जो कि प्री ईयर्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी किसी या तो SSC या फिर बैंकिंग वगैरह में पूछे हुए जो क्वेश्चन है तो उसको कराते हैं। देखिए प्री ईयर्स के क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का प्री ईयर्स का क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो अभी प्रिपरेशन का लेवल है वो कितना लेवल है, यानी जो हमने सीखा है वो कितने लेवल तक सीखा है, ठीक है, कितने लेवल तक सीखा है। देखिए प्री ईयर्स के क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए, प्री ईयर्स के क्वेश्चन को करना काफी ही जरूरी होता है, काफी ही जरूरी होता है, और जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतरीन कंसेप्ट का निर्माण होगा आपके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, अभी इस पर आधारित हम PDF आप सभी को आज देर रात तक प्रोवाइड कराते रहे, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, तब तक हम इसको निकालते हैं, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसे लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए इसे निकालते हैं, ठीक है, देखिएगा इसे मिटाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि GH से मोटा है, GH क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है, और देखिए उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बोला है कि GH से मोटा है लेकिन M जितना मोटा नहीं, GH से मोटा है, यहाँ पर देखिए जी जो है एच से मोटा है, जी एच से मोटा है, ठीक है। अब देखिए लेकिन एम जितना मोटा नहीं, यानी एम जो है क्या जी से मोटा है, कल ही बताए थे इसका क्या क्या दिया रहेगा तो उसे क्या मानना है, ठीक है। कुछ प्रमुख शब्दावलियों का हमने डिस्कस किया हुआ था, कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हमने बताया था कि यह बोलेगा तो हमें ऐसे ग्राफ का निर्माण करना है, ठीक है। चलिए आप देखिए आगे बोल रहा है कि एम जितना मोटा नहीं, कौन तो जी, तो यहाँ पर एम इससे मोटा है ना, यानी यह मोटा है, ठीक है। चलिए क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, यानी क्यू भी क्या है एम से कम ही मोटा है, देखिए यहाँ पर लेकिन एच से मोटा है, क्यू एम जितना मोटा नहीं है लेकिन एच से मोटा है, क्यू जो है क्यू एक व्यक्ति है, क्यू जो कि एम से कम है लेकिन एच से अधिक है, ऐसे रहेगा, ठीक है, एम से कम है लेकिन एच से अधिक है। आगे बोला है समूह में सबसे पतला कौन है, समूह में से देखिए ये भी जो है ये भी क्रॉस इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं, क्रॉस इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है ना कि क्यू जो है क्यू जो है एच से मोटा है लेकिन एम से कम मोटा है, ठीक है, बातों को ध्यान से समझिए, क्यू जो है एच से मोटा है लेकिन एम से कम मोटा है, यानी एच से मोटा है तो यहाँ भी रहेगा तो मोटा रहेगा, यहाँ भी रहेगा तो मोटा रहेगा, या जी के बराबर भी रहेगा ना, जी के बराबर भी रहेगा तो मोटा ही कहलाएगा, जी के बराबर भी रहेगा तो मोटा ही कहलाएगा, यानी तीनों ही स्थितियों में क्यू को रख सकते हैं। लेकिन बातें यह है क्वेश्चन में, बातें यह है कि वह जो क्वेश्चन है वह ये नहीं पूछ रहा है कि आप बताइए कि बीच में का मतलब मध्यम में कौन मोटा है, या ये नहीं पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर मध्यम में कौन मोटा है, दोनों के बीच में कौन है, या फिर नीचे से दूसरा कौन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चन यानी क्यू से रिलेटेड नहीं है, क्रॉस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, मैंने बताया था ना कि क्रॉस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी पूछे तभी हमको क्या देना है, कनेक्ट बी डिफाइन, पहले ही बताया था कंसेप्ट में, लेकिन यह क्या पूछ रहा है कि सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे एच है, सबसे मोटा क्या पूछ रहा है, सबसे कम मोटा कौन है इस समूह में, सबसे पतला व्यक्ति, यानी पतला व्यक्ति कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर पतला व्यक्ति कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है SSC 10+2 यानी 2018 में SSC 10+2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीजें भी कंफर्म थी, ये भी कंफर्म था कि सबसे मोटा कौन है तो एम हो जाता, सबसे मोटा ये भी कंफर्म था, और सबसे कम मोटा कौन हो जाता तो एच हो जाता, यानी यह क्या है सबसे पतला है, ठीक है, पतला है, ठीक है, पतला है, सबसे पतला है, ठीक है। चलिए आजकल तो सभी लोग पतले हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह SSC CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है, हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए SSC CGL 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि भीमा सोहन से लंबा है, भीमा जो है वह सोहन से लंबा है, हमने ग्राफ का निर्माण किया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया भीमा को, भीमा को लिखा,
और वह क्या है, सोहन से लंबा है, यहाँ पे सोहन को लिख दिया। बातों को ध्यान से समझिए, एकदम आराम से करना है, काफी इजी वे में करना है, ठीक है। आगे बोला है, किंतु इतना लंबा नहीं जितना कि राकेश, किंतु इतना लंबा नहीं जितना कि राकेश कौन, तो भीमा उतना लंबा नहीं है जितना कि राकेश, यानी राकेश जितने ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राकेश को लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर राकेश को लिख देंगे। आगे बोला है कि शेरा भीमा से छोटा है, शेरा कोई है जो कि भीमा से छोटा है, आराम से देखिएगा, किंतु सोहन से लंबा है, यानी शेरा जो है भीमा से छोटा है और सोहन से लंबा है, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पर रहेगा कौन रहेगा, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शेरा। इसका क्या नाम है, शेरा कौन, ठीक है, इसका नाम क्या है, शेरा, ठीक है। अब देखिए, शेरा जो है, शेरा वह सोहन से शेरा सोहन से लंबा है लेकिन भीमा से छोटा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन हो जाता है, सोहन, यानी हमारा आंसर क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता, सोहन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, आंसर को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आप लोग इजी वे में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। या फिर इसमें पूछता कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा क्या हो जाता, सबसे लंबा राकेश हो जाता, सबसे लंबा क्या हो जाता, ये राकेश हो जाता, यानी हमारा ए हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछता कि मध्य में कौन है, तो मध्य में हम निर्धारित कर सकते हैं, मध्य में निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि चार ही व्यक्ति है, चार व्यक्तियों में आप मध्य क्या निर्धारित कीजिएगा, मध्य नहीं निर्धारित कर सकते हैं। मध्य का निर्धारण हमेशा पांच व्यक्ति सात व्यक्ति हो तभी ना मध्य का निर्धारण होगा, ठीक है, हमेशा पांच सात नौ ऐसे व्यक्तियों की संख्या होगी तभी जाकर के हम नौ मध्य का निर्धारण करेंगे, ठीक है। चलिए, मध्य का निर्धारण हम लोग कब करेंगे, जबकि संख्याएं विषम हो, जबकि दिए गए संख्याएं विषम हो तभी ना मध्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एस एस सी एल डी सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वह एलडीसी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आराम से करना है, काफी इजी वे में करते हुए और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, काफी इजी वे में करते हुए और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर देखिएगा, काफी आराम से करना है, ठीक है। चलिए देखिए, बोल रहा है कि सती रेणुका से बड़ी है, सती जो है, सती, सती को यहाँ पे लिखे वो किससे बड़ी है, तो रेणुका से बड़ी है, किससे बड़ी है, रेणुका से बड़ी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए कि गीतिका रेणुका से छोटी है और प्रियंका सती से बड़ी है, प्रियंका जो है सती से बड़ी है और गीतिका क्या है, रेणुका से छोटी है, आराम से बनाना है, यानी गीतिका को नीचे लिखेंगे ना कि लिखेंगे, क्योंकि यह जो है गीतिका, यह रेणुका से क्या है, छोटी है। आगे ये बोला है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये बोला है कि प्रियंका सती से बड़ी है, यानी प्रियंका को यह है जो कि सती से बड़ी है, ठीक है, प्रियंका सती से बड़ी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि इनमें सबसे बड़ी कौन, तो इनमें सबसे बड़ी ऑलरेडी शो कर रहा है, इनमें सबसे बड़ी कौन है, प्रियंका, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, प्रियंका, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका। अगर पिता सबसे छोटी कौन है, तो गीतिका हो जाता, अगर पिता के नीचे से दूसरा कौन है या नीचे से तीसरा कौन है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता, हमारा नीचे से तीसरा सती हो जाता, दूसरा पूछता रेणुका हो जाता, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो प्रियंका, सबसे छोटी पूछता तो गीतिका हो जाती, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये भी एस एस सी एल डी सी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से करना है, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोग बना भी देते होंगे क्योंकि कल वाले वीडियो देखे हुए हैं, क्लियर कंसेप्ट है और क्लियर कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर कंसेप्ट इज द पावर ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से करना है, काफी इजी वे में करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह बोला है कि पांच व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, जे एन के पीछे है किंतु पी से आगे है, जे है, जे देखिए आराम से देखिएगा, जे एन से पीछे है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं पांच व्यक्ति है, थोड़ा सा बड़ा होगा, जे क्या है, एन के पीछे, यानी जे यहाँ होगा तो एन यहाँ होगा, जे एन के पीछे है लेकिन आगे बोला है जे एन के पीछे है किंतु पी से आगे है, कौन, जे एन के पीछे है किंतु पी से आगे है, कौन आगे है, तो जे आगे है ना,
तो यहाँ पर लिख दिया पी से आगे हो गया, कंफर्म हो गया, पते गया। आगे बोला है, आगे बोला है कि एल और एन दोनों एन से आगे हैं। एल और एन क्या है, दोनों एन से आगे हैं। बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ, देखिए एल और एन जो व्यक्ति है, एल और एन या तो यहाँ रह सकते हैं, एल यहाँ तो एल रहेगा, नहीं तो एम रहेगा, फिर यहाँ या तो एम रहेगा और नहीं तो एल रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या है, तो दोनों एन से आगे हैं, दोनों एन से आगे हैं। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि जे जो है एन के पीछे है, जे क्या है एन के पीछे है ना, उसके बाद बोला है एन के पीछे है कौन जे, लेकिन पी से आगे, पी से आगे है। उसके बाद क्वेश्चन ये बोला है कि एल और एन दो व्यक्ति हैं, एल और एम दो व्यक्ति हैं जो कि एन से आगे है, उनका स्थान निर्धारित नहीं है कि भाई एल कहाँ रहेगा, या तो एल यहाँ रहेगा तो एम यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ पर एक और ग्राफ बन सकता था, एक बार इसको रखते हैं एल और एम, एक बार समझ लीजिए, ठीक है एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक तो सेम ग्राफ है ना, यहाँ तक सेम ग्राफ है, ठीक है यहाँ पर एन को रखिए, अब यहाँ पर इसमें एल है तो यहाँ एम है, तो यहाँ पर एम भी रह सकता है और यहाँ भी एल रह सकता है, रह सकता है ना, यानी एम और एल का स्थान निर्धारित नहीं है, तो हमें इससे लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों के मध्य में कौन, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें मध्य में कौन बैठा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है, ठीक है हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है, ठीक है तो हमें मध्य की जानकारी देनी है, तो मध्य में हमारा क्या हो जाएगा, तो मध्य में हमारा एन हो जाएगा, ठीक है मध्य में हमारा क्या हो जाएगा, मध्य के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य में हमारा क्या हो जाएगा, मध्य में हमारा एन हो जाएगा। एन ही पूछ रहा है कि एन से लंबा कौन है, ठीक है एन से लंबा कौन है, ऐसा नहीं पूछ रहा है क्योंकि एल और एम के स्थान का निर्धारण नहीं है, यानी ये इसी ग्राफ में हम लोग लिख सकते थे ना, ऐसे इसी ग्राफ में हम लोग लिख सकते थे एल या एम या फिर यहाँ पर एम या एल, ये तो समझने के लिए मैंने बना दिया, दो ग्राफ नहीं बनाना, एक ही ग्राफ में आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है ना कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में एन खड़ा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम लोगों ने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया, काफी अच्छे ढंग से किया, कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया जो कि प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छे वे में प्रैक्टिस किया, और देखिए हमें करना क्या है, पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है, डेली बताते हैं कि पीडीएफ को भाई टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप लोग शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि क्लासेज स्टार्ट हो गई है, एक बेहतरीन क्लासेज और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक नियमित रूप से क्लासेज चल रही है, साथ ही साथ नियमित रूप से क्लासेज चल रही है और कंसेप्ट विद प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, ठीक है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है मुझे आशा है कि मेरा यह प्रयास आप सभी को जरूर अच्छा लग रहा होगा, आप सभी लोग कमेंट में बताएं, पब्लिक कमेंट में बताएं कि मेरा यह प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं केवल पब्लिक कमेंट का भी पब्लिक कमेंट को ही देखता हूँ, ठीक है तो आप लोग बताएं कि मेरा यह प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।